और भारत में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत मिस्र कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर दोनों ओर से डॉक टिकट का आदान प्रदान हुआ है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सीईआरटी इंडिया और सीईआरटी इजिप्ट के बीच में समझौता हुआ है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मिस्र के बीच में सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे बीच में कई हजारों वर्षों का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार हुआ करता था। उन्होंने कहा कि विश्व की स्थितियों में कई तरह की चुनौतियों के बावजूद भी मिस्र के साथ हमारे संबंध बने रहे हैं। हमारे रिश्ते की नींव स्थिर रही है और समर्थन भी मजबूत हुआ है।